नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन जर्नल पर। दोस्तों, आज 28 मई शिफ्ट 1 आरआरबी जेई का जो जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार था कि CaSO4 किस का फॉर्मूला है। तो दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला है CaSO4। एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था दोस्तों कि पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, K2SO4 है वो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, जो कि मेंडलिफ आवर्त सारणी से पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि एल्यूमिनियम फॉस्फोरस सिलिकॉन और सोडियम सबसे ज़्यादा संयोजकता किसकी है। तो दोस्तों, चार ऑप्शन थे, एल्यूमिनियम फॉस्फोरस सिलिकॉन और सोडियम। इनमें से सबसे ज़्यादा संयोजकता आपको बतानी थी, जिसका सही उत्तर था सिलिकॉन। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव धातु कौन सी होती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको याद रखना, फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव धातु होती है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि शुष्क बर्फ़ का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो सॉलिड CO2 है वो शुष्क बर्फ़ का फॉर्मूला होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि टूथपेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसका सही उत्तर था बेसिक। तो एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार पूछा गया था कि सबसे कठोर मेटल कौन सी होती है। तो आपको बताना था कि सबसे कठोर मेटल है वो कौन सी होती है। इसका सही उत्तर था दोस्तों प्लेटिनम। प्लेटिनम है वो सबसे कठोर मेटल होती है दोस्तों। एक क्वेश्चन था, रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया। तो दोस्तों, न्यूक्लियर का साइज है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि फॉस्फोरस सैम्बल क्या है। तो फॉस्फोरस का सैम्बल पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों, पी है वो फॉस्फोरस का सैम्बल है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, कोक कोल से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि नियासिन से होने वाला रोग। तो दोस्तों, नियासिन से होने वाला रोग है वो पेलाग्रा रोग है, जो नियासिन से होता है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि विटामिन B12 से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो सियानोकोबालामिन है वो विटामिन B12 से का रासायनिक नाम है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, शुगर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, इंसुलिन है वो शुगर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसके अलावा दोस्तों, एक इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, इसके बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों, एड्रेनलिन है वो इमरजेंसी हार्मोन होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये क्वेश्चन थे जो कि आज की शिफ्ट 1 के अंदर। दोस्तों, यदि आप रेगुलर हर शिफ्ट के एनालिसिस जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।